नमस्कारम, नमो नमः। विद्या भारती कोटा जिले में आपका स्वागत है। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवताम हार्दम स्वागतम अस्ति। अद्य वयम कक्षा अष्टमी तृतीय पाठ अध्ययनम करिष्यामः। पाठस्य नाम डिजी भारतम। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट, जिसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इति अस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। इति अस्य, यहाँ पर यण संधि हो रही है, इक के स्थान पर यण हो जाता है यदि अच परे हो। इति अस्य चर्चा श्रूयते, इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य क भाव इति, इस पद का क्या भाव है, ऐसा मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते। मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, मन को जानने की एक इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन के साथ ही, समय के परिवर्तन के साथ ही मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। मानव की आवश्यकताएं भी परिवर्तित हो गई। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसी। प्राचीन समय में ज्ञानस्य, ज्ञान का आदान प्रदान, ज्ञान को आदान लेना, प्रदान देना मौखिकम आसी, एक मौखिक रूप से होता था। प्राचीन समय में जंगलों में जो है ऋषि मुनि विद्या अध्ययन करवाते थे, तो वेदों के द्वारा ही विद्या दी जाती थी। विद्या जसुति परम्परया ग्रह्यते स्म। विद्या श्रुति परंपरा, विद्या श्रुति परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी। विद्या किसके द्वारा ग्रहण की जाती थी, श्रुति परंपरा के द्वारा, सुनने की परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि, इसके बाद तालपत्रोपरि, तांबे के पत्ते के ऊपर, और भोजपत्रोपरि, भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तनी काले करगदस्य, परिवर्तित इस काल में करगदस्य कागज का, षष्ठी व्यक्ति लेखन्या और पेन का। आविष्कारण, आविष्कार से सर्वेषां मेव मनोगतानां भावानां करगदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। करगदस्य कागज का और पेन का आविष्कार से सर्वेषां मेव मनोगतानां, सभी के मनों के अंदर छुपे हुए मनोगतानां, मन के अंदर के भावानां, भावों का करगदोपरि कागज के ऊपर, कागज के ऊपर लेखनम प्रारब्धम, लिखना प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्र से टाइप यंत्र का, टाइप यंत्र के आविष्कारण, आविष्कार से तो लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री टंकिता सती। टाइप होने पर बहुकालाय बहुत समय के लिए सुरक्षिता अतिष्ठत, सुरक्षित रखी जाने लगी। वैज्ञानिक प्रविधे, वैज्ञानिक तकनीक से, तकनीक के द्वारा प्रगति यात्रा,
इसकी प्रगति की यात्रा, इसके विकास की यात्रा पुनरपि और भी अग्रेगता आगे चली गई। अध्ये सर्वाणी कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अध्ये सर्वाणी, आज सभी कार्य संगणक नामकेन, आज जो कार्य होते हैं वे सभी कार्य संगणक नामक, संगणक कंप्यूटर नाम के यंत्रेण यंत्र के द्वारा साधितानि भवन्ति, सिद्ध किए जाते हैं या पूरे किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्रों को, पुस्तकों को कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर माध्यम से पठ्यन्ते पढ़ा जाता है। पठ्यन्ते आत्मनेपदी, फट धातु है, आत्मनेपदी में बीच में यह जोड़ दे, पठ्यन्ते पढ़ा जाता है, लिख्यन्ते लिखा और लिखा जाता है। कर्गदो द्योगे, कर्गदो द्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्तयन्ते। वृक्षाणाम उपयोगेन, कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग से, के द्वारा वृक्षः वृक्षों को, कर्तयन्ते काटा जाता था। परम परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने, परंतु संगणकस्य कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों के काटने में न्यूनता भविष्यति, कमी होगी, वृक्षों को लोग कम काटेंगे, न्यूनता भविष्यति, कमी होगी इति ऐसा विश्वास है, ऐसा मेरा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार भविष्यति होगा। भू धातु लृट लकारे भविष्यति प्रथम पुरुष एकवचनम अस्ति। अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना आपणे, आज अब आपने बाजार में वस्तु क्रियार्थम, वस्तु के खरीदने के लिए, वस्तु कोई भी सामान खरीदने के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की अनिवार्यता नास्ति, अनिवार्यता आवश्यकता नास्ति नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इति आदे ऐसे सर्वत्र रूप्यकाणाम संग्रहितवन्तः, ऐसे जो नियम है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने जो है इत्यादि, ऐसे सर्वत्र रूप्यकाणाम सभी जगह रूप्यकाणाम रुपयों का स्थान ग्रहितवन्तः ले लिया है। रुपयों का स्थान किसने ले लिया? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने। वित्त कोष से बैंक का भी, बैंक से च अपि भी सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपादयन्ते। संगणक यंत्र के द्वारा, कंप्यूटर यंत्र के द्वारा संपादित किए जाते हैं, पूरे किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा, अनेक प्रकार की विधाएं अनुप्रयोगा प्रयोग किए गए हैं, जैसे ऐप एप्लीकेशन, मुद्राहीनाय विनिमयाहे, मुद्राहीनाय विनिमयाहे कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायिका संति सहायक हैं। ऐसी अनेक ऐप्स हैं, एप्लीकेशन है, जैसे कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायक हैं। इसके बाद हम शेष पार्ट को हम अगले वीडियो में पठिष्यामः। धन्यवाद। सर्वे भ्रातृ भगिन्ने स्वपुस्तिकायां हिंदी अनुवादं कुर्वन्तु, कठिन शब्दार्थं लिखन्तु, स्मरन्तु। धन्यवादः।